अब देखिए तो बच्चों देखिए इधर देखिए, अब तो आज का मेन टॉपिक है हम लोग का मीडियन बड़ा वाला सम्स। कौन वाला सम्स? बड़ा वाला सम्स। तो एग्जाम में क्या ऐसे लिखा रहेगा बड़ा वाला सम्स? नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आपको बोला मीडियन निकालिए ना, आज का पूरा क्लास जो है हम लोग मीडियन का बड़ा वाला सम्स करेंगे। कौन वाला सम्स? बड़ा वाला सम्स। ठीक है ना, तो आज हम लोग मीडियन का बड़ा वाला सम्स करेंगे। मीडियन का बड़ा वाला सम्स निकालना आज हम लोग का पर्पज है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन का क्या मतलब है? तो मीडियन सिंपली मीन्स मिडिल मोस्ट नंबर इन द ऑब्जर्वेशन। बट जैसा हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे दिया रहे, तब तो कोई भी बच्चा इजिली बोल देगा कि इसमें मीडियन कितना है, 3 है। क्या है, 5 नंबर है, आराम से बोल दिया आपके मीडियन कितना बाबू, 3 है। लेकिन आज का सवाल इतना इजी नहीं है। आज हम लोग मीडियन का बड़ा वाला सम सीखेंगे। बड़ा वाला सम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बड़ा वाला सम्स का बनाने से पहले मतलब क्वेश्चन अगर इस तरह से रहेगा, देखिए 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 क्लास अदर बड़ी फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन अगर इस तरह से रहा 30 से 40, क्वेश्चन अगर इस तरह से रहा तो आप सम्स कैसे बनाइएगा? मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहा और आपको बोला मीडियन निकालिए, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? आज का टॉपिक यही है हम लोग। अच्छा, टॉपिक यही है हम लोग कि मीडियन अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, मतलब इसको बोलते हैं बड़ा वाला सम्स। कौन वाला सम्स? बड़ा वाला सम्स। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी वाला सम्स। कौन वाला सम्स? फ्रीक्वेंसी वाला सम्स। इसको और स्टैंडर्ड बोलेंगे तो क्लास बाउंड्री वाला सम्स। कौन सा वाला सम्स? क्लास बाउंड्री वाला सम्स। लेकिन इतना आपको बोलना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ऐसा सम्स रहने से सॉल्व कैसे करेंगे, तो कभी भी अगर इस तरह का सम्स रहे तो पहले फॉर्मूला आपको समझाते हैं। आप कॉपी में हेडिंग दे दी हो ना मीडियन। अब देखिए मीडियन का जो बड़ा वाला सम्स है, देखिए पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है ना, चाहे वो सेमेस्टर 1 में हो चाहे सेमेस्टर 3 में हो, वो पूरा फार्मूला पे ऊपर है, फार्मूला का खेला है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो फार्मूला का क्या बाबू खेला, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पर आपको मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। देखिए ये पूरा आपका फार्मूला है L प्लस, अभी उतारना मत समझना, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज किया गया, डज नॉट मीन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला का मीनिंग चेंज होगा, फॉर्मूला और फॉर्मूला का मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। तो अभी अगर इसको हम लोग डिकोड करें तो हियर L मतलब होता है लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो लोअर बाउंड्री है उसको हम लोग एल बोलते हैं। अब ये मीडियन क्लास क्या है बनाएंगे तो पता चलेगा आपको। उसके बाद आ गया एन बाई टू, यहाँ पर एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, और टू की जगह क्या होगा, टू, टू की जगह क्या होगा बच्चों, टू। सी एफ, सी एफ मतलब होता है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत अलग चीज़ है बाबू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर क्या बाबू, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर कौन सा क्लास, मीडियन क्लास। पहले फॉर्मूला को इंडिकेट कर दे रहे उसके बाद पूरा सम्स बनाएं। पहले फॉर्मूला का ऑपरेशन हो रहा, क्या हो रहा बोलिए, ऑपरेशन। एल मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एन बाई टू का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी बाई टू, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। अब ये सब का एग्जैक्ट क्या मीनिंग हो रहा है वो बनाने टाइम आप ज्यादा बेटर समझ पाएगा, एक तो सम्स बनाएंगे आप समझ जाओगे। उसके बाद आई, आई मतलब हो गया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और एफ का मतलब हो गया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। देखिए जल्दी बताइए मीडियन का बड़ा वाला सम्स का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। पूरे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे ना आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन समस्या क्या है, फॉर्मूला ज़्यादा है, बस समझो ना, फॉर्मूला इसमें ज़्यादा है। अब देखो जैसे अभी हम क्लास में मीडियन करा रहे, आप आराम से समझ जाओगे, आराम से सम्स बना लोगे। प्रॉब्लम कहाँ होगा, एग्जाम में इतना सारा फॉर्मूला याद कैसे रहे, इतना सारा एज ए स्टूडेंट बहुत सारा वैरायटीज ऑफ सम्स है तो वो कैसे याद रहेगा, तो थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी है बहुत ईजी है। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ, एल प्लस एन, समझ रहे ना, आई तो लास्ट में हो गया, समझ रहे ना, लास्ट में इंटू कर देंगे आई, मेन फॉर्मूला का पार्ट यही हो गया, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। तो इसको पहले उतारिए फिर बात होगा, तो हम ऐसे ही उतारेगा जैसे हमने उतारा है, किसी को कुछ देखने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा स्पेलिंग में।
वोट दिख रहा ना आपको, किसी को दिक्कत नहीं रहा वोट देने में? उतार लीजिए फिर बात होगा। देखिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हो गया ना बाबू, अब इसी को सम्स में बनाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए ना, तो आपको कोचिंग का बुक है, समझिए ना, कोचिंग का बुक आपको खाली रखना है, बुक है कोचिंग वाला, लाइए निकाली कोचिंग वाला बुक आपके पास रहना चाहिए, समझे ना। और आपको हम लोग प्रैक्टिस के लिए सम्स देते रहेंगे, तो आपको अलग से फिर जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ लेने का। चलिए स्टार्ट करें बाबू सम्स को। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया, साइलेंट कर लीजिए बाबू। देखिए एग्जाम्पल वन बुलाए हो निकाली, देखिए एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कैमरा में, देखिए तो ठीक है। देखिए एग्जाम्पल वन निकाल रहे, तो एग्जाम्पल वन हम लोग लिखेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में ऐसे बोला आपको कैलकुलेट, क्वेश्चन पहले लिखिए कैलकुलेट मीडियन, मीडियन निकाल के दिखाइए। कैलकुलेटर मैंडेटरी है आपके पास क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा। कैलकुलेट मीडियन आपको बोला एग्जाम में कि मीडियन निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? मीडियन। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया बोला मीडियन निकालिए। तो कोचिंग का बुक का ही क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर फोर, कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर फोर हम क्वेश्चन लिख दे रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए, बट पेज नंबर 13। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्लास, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख दे रहे, ऐसे बुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम द बुक पेज नंबर 13, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से क्या बच्चों 100। ये बुक का समझे हम लोग का 3, 4, 2, 1, बहुत ही इजी क्वेश्चन लीजिए। आइए देखिए रेडी, ये हम लोग का क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। इसको बनाएंगे कैसे एग्जाम में देखिए, मान लीजिए एकदम ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला कि मीडियन निकाल के दिखाइए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपको क्या बोला, क्या निकाल के दिखाइए बाबू? मीडियन निकाल के दिखाइए। तो कोई देखिए फॉर्मूला इस तरफ लिखा हुआ है और सम्स इस तरफ है, देखिए हम दोनों सामने रखे, फॉर्मूला अभी हम मिटाए नहीं है जिससे आपको समझने में सुविधा हो। चले क्या ये कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर फोर, नंबरिंग ठीक से करिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर करिएगा वो कोचिंग का बुक का है, और जिसमें एग्जाम्पल लिखिएगा मतलब वो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, बात खत्म, क्योंकि टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। रेडी गाइस, चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना, स्टेप सुनिएगा थोड़ा, मीडियम का स्टेप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, क्लास और क्या बाबू एफ, अभी कोई करो मत, अभी मैं आपको करने दो फिर आप करना, देखो साथ धीरे धीरे चलिएगा ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है फिर हद से गुजर जाना है, सिंपल समझे ना। तो आप हर बढ़ाएंगे तो गलती आएगा, धीरे धीरे ना कोई चीज होता है लाइफ में, अचानक से कैसे होगा बाबू? 3, 4, 2, 1 क्वेश्चन लिख लिया बाबू, अभी क्या ना, ये तो क्वेश्चन लिखा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन को उतारे, डाउट कहाँ से होगा। सबसे पहले निकालिएगा सी एफ, क्या निकालिएगा? सी एफ का मतलब क्या होता है, कैमरा में आ रहा है ना, देख लीजिए एक बार, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सी एफ। देखो आपने बहुत सारे वर्ड सुने लाइफ में, सी एफ, बी एफ, जी एफ सुने ना, जी एफ मतलब क्या, क्या बोले पढ़ाई लेने से बात कर रहे, छोड़ो सो अच्छी। उसके बाद बी एफ मतलब क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड, बोला बेस्ट फ्रेंड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कॉमर्स में पढ़े ना, बी एफ मतलब क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड, आवाज में। तो सी एफ, बी एफ, तो सी एफ, यहाँ पर सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाबू तो हाथ नीचे कर लीजिए, देख रहे ना, देख, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जोड़ पे जोड़, जोड़ पे जोड़। अब देखिए जोड़ पे जोड़ कैसे होगा, पहले तीन लिखा, तीन में चार जोड़ेंगे कितना आएगा, सात, सात में दो जोड़ेंगे नौ, नौ में एक जोड़ेंगे दस। सी एफ मतलब जोड़ पे जोड़, सिंपल भाषा में जोड़ पे जोड़, तीन में चार जोड़े, सात में दो जोड़े, नौ में एक जोड़े, समझे कैसे आ रहा सी एफ। ये जो लास्ट में जो है ना उसको बोलिएगा एन, बड़का वाला एन, कौन वाला एन, बड़का वाला एन, यस दिस इज एन। ठीक है स्टेप सुनिए, पहला स्टेप, स्टेप वन क्या निकालिएगा, सी एफ, अभी बनाने के लिए आपको देंगे, पहले क्या निकालिएगा, क्या निकालिएगा, और उसके बाद सी एफ निकालने के बाद आप एन निकाल, इसको क्या मार्क कर दोगे, एन, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना एन बाई टू, एन मतलब कितना, दस बाई टू, दस बाई दो कितना होगा, पांच। अब ये जो पांच आया है ना, इस पांच को आप, ये एन बाई टू जो आपका आया कितना आया, पांच आया। अब खोजिएगा कि पांच किस में है, अगर तीन आता तो मीडियम क्लास हो जाता, ये वाला 20 से 40 वाला मीडियम क्लास हो जाता, अगर पांच आता तो मीडियम क्लास हो जाता, ये वाला, सॉरी सात आता तो मीडियम क्लास हो जाता, ये वाला।
9 आता तो मीडियम क्लास हो जाता ये वाला, 10 आता तो मीडियम क्लास हो जाता ये वाला, लेकिन आया है 5, जो चाहते थे वो तो मिला ही नहीं, जो आप खोज रहे थे वो तो आपको मिला ही नहीं। अगर मान लीजिए 3 आता, सपोज यहाँ पर आंसर रिजल्ट 3 आता, 3 आने से मीडियम क्लास ये वाला हो जाता, बोलो हाँ कि नहीं। 7 आने से मीडियम क्लास ये वाला हो जाएगा, हाँ कि नहीं। 9 आने से मीडियम क्लास ये वाला हो जाएगा 60 to 80, और 10 आने से मीडियम क्लास 80 to 100। लेकिन यहाँ पे तो आया 5, अब आप कैसे करोगे? तो देखो 5 किसके बीच में होगा? 3 और 7 के बीच में होगा, बोलो हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब देखो, जैसे आपने हमको अपना बर्थडे में बुलाया, आपने कहा भैया मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरा बर्थडे में आएंगे? तो हमने ठीक आएंगे। आपने कितना बजे आएंगे? तो हमने देखो हम तुम्हारा बर्थडे में 5 से 7 के बीच में आएंगे। 5 से 7 के बीच में आएंगे इसका मतलब 5 बजे तो नहीं आएंगे, 5 से 7 के जब भी आएंगे 5 से 7 के बीच में आएंगे। लेकिन 5 से 7 के बीच में आएंगे मतलब 5 के बाद और 7 से पहले, इसका मतलब 5 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा। वेन्यू से 3 to 7, इसका मतलब 3 तो कभी जीवन में नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं इस क्लास में छुपा हुआ। किस क्लास में बाबू? इस क्लास में। तो इसको ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से और यहाँ पे लिख लीजिएगा मीडियम क्लास। अगर ये सिलेक्शन आपने गलत कर लिया तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे मीडियम क्लास चुनेंगे। हम इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं। स्टेप 1 CF निकालेंगे, स्टेप 2 n/2 निकालेंगे, n/2 निकाल लीजिए, n मतलब लास्ट वाला टोटल, यहाँ तक भी समझ गया। पर सवाल है मीडियम क्लास का सिलेक्शन। सपोज मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं, सपोज 8 आता, आंसर 8 आता, 8 आने से मीडियम क्लास कौन सा हो जाता है? ये वाला, 7 से 9 के बीच में ना, तो यहीं पे होगा। यस सर नो? अगर मान लीजिए आंसर 10 आता तो मीडियम क्लास क्या होता है? 80 to 100, हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर ये गलत चुन लीजिएगा ना तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप मीडियम क्लास देखिए, उसमें बार बार देखिए ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला में बार बार कौन आ रहा है? मीडियम क्लास। तो अगर हम मीडियम क्लास गलत चुन लेंगे तो मेरा सवाल ही गलत हो जाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए हाँ कि नहीं। तो पहले बताइए स्टेप 1 क्या निकालिएगा? CF, क्या निकालिएगा? स्टेप 2 n/2, और स्टेप 3 जो n/2 आया है उसको आप देखिएगा कि वो CF में किस कॉलम में है। 3 आता तो ये वाला क्लास ये मीडियम क्लास हो जाता है, बोलो हाँ कि नहीं। 7 आता तो ये वाला मीडियम क्लास हो जाता, बोलो हाँ कि नहीं। कैसे बाबू? 4 होता तो ये वाला, बस समझ रहे ना। अच्छा 9 आता तो मीडियम क्लास 60 to 80, 10 आता तो 80 to 100। अब इसके बाहर ये इससे कम तो नहीं ना आएगा, कॉमन सेंस। जब n/2 उसके फॉर्मूला को यूज़ करें तो 2 तो आंसर कभी नहीं आएगा। जैसे आपके मन में कभी सवाल आएगा भाई ये 2 आया, 2 कैसे आएगा बताइए? 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे n/2 से डिवाइड करेंगे 2 कभी नहीं आएगा। जो भी नंबर आएगा इन 3 से लेकर 10 के बीच का ही आएगा, बोलो हाँ कि नहीं। तो मीडियम क्लास कैसे चुनिएगा, समझे कि नहीं समझे? बोलिए n/2 आया ना, जो आया उसको खोजिएगा कि कहाँ पे है। 3 आता तो ये होता, 7 आता तो ये होता, 9 आता तो ये होता, 10 आता तो ये होता, लेकिन इसमें से कुछ नहीं आया, क्योंकि जो आप चाहते हो वो होता ही नहीं, और जो होता है वो आप कभी चाहते ही नहीं हो। तो यहाँ पे आया कितना? 5। 5 कौन सा क्लास में? इस क्लास में। इसको ना पेंसिल से अंडरलाइन कर लेने का एग्जाम में, जिससे आपको बनाने में सुविधा हो। जैसे उन्होंने गाइस अब क्या करिएगा, इतना करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आंसर आएगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? अब हम ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट नहीं मिटा रहे, ये तो क्योंकि आपका तो लिखा हुआ है, आप देखते जाइएगा, हम बोलते जाएंगे। देखिए एल मतलब क्या? तो एल मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। ये मीडियम क्लास है ना, इसका लोअर बाउंड्री कितना है? 40, बोलो हाँ कि नहीं। 40 प्लस n/2 कितना बच्चों? 5 माइनस CF, मतलब ये जो आया है ना मीडियम क्लास, उससे पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए वहां पे हमने क्या लिखा था फॉर्मूला में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मीडियम क्लास। मीडियम क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियम क्लास से पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलिए हाँ कि नहीं। तो आया बाबू कितना? 3/F, मतलब बोला है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। मीडियम क्लास ये है ना, इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। बोलिए हाँ कि नहीं। इनटू आई मतलब गैपिंग कितना है लोगों का? 10 10 10 10 10 10 20 का गैप है। अच्छा 20 का गैपिंग है, सॉरी गाइस 20 का गैपिंग है। तो इनटू क्या बाबू? 20। फिर से बोले एक बार, एल मतलब क्या? लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास कितना है? 40 से 60, उसका लोअर बाउंड्री कितना है? 40। बोलो 40। और n/2 कितना आया था? 5 आया था। n/2 तो ऑलरेडी निकाला हुआ ना, कितना आया था बाबू? 5 माइनस CF। CF मतलब जो मीडियम क्लास आया है ना, उससे पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसे कौन वाला का? पहले वाला। वो एक बार दो बार बनाइएगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। और by f, f मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, f मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। और i, i मतलब इंटरवल कितना है? 20 20 20। क्या बाबू? 20 20 20। क्या बाबू? 20 20 20। क्या बाबू? यस सर नो? किसको डाउट है बोलिए।
बस उसके बाद क्या, अच्छा आपका पेपर तो एमसीक्यू रहेगा तो इतना लिख के दिखाना तो नहीं है। अब पहला सम से तो हम पूरा पोर्ट में एक्सप्लेन करके बना रहे, बनाते 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 वैसे सब आपको याद आएगा, इतना सम्स करेंगे कि आपको याद आएगा। तो इधर देखो 40 की जगह 40 होगा, 40 की जगह 40 होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, इनटू 20 होगा, काटेंगे 5 होगा, 40 प्लस 10 होगा, आंसर कितना 50 होगा, बन गया। सुनो गाइस, इतना काटा कुटी हम लोग कर रहे क्यों, क्योंकि हम क्लास में कर रहे, आप एग्जाम एकदम कैलकुलेटर यूज करके हो गया बात, इतना काटा कुटी कौन करने जाएगा। यस सुनो गाइस, 40 प्लस 10 कितना आ गया 50, आई होप आप समझ गए होंगे। उतारिए उतारिए, कॉपी करिए। ये जो सम्स के ये एक कैटेगरी हो गया, ये कैटेगरी क्या हो गया, जहां पर देखिए 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100 था। इसको बोलते हैं ना, इस तरह के सम्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में कि ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है बोली तो 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। बट यही इसी में डिसकंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन भी रहता, लाइक 10 से 19, फिर अगला नंबर 19 से शुरू नहीं हो रहा, 20 से 29, फिर उसके बाद वाला 29 से शुरू नहीं हो रहा, 30 से 39, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको हम दिखा दें। तो इसी में दोनों क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है। अब बात कर ली ना, फोन जरूरी है, फैमिली फर्स्ट। देखिए स्टार्ट करें बाबू, तो अगला क्वेश्चन, एसी बंद कर दे, ऑन कर दे, अच्छा चालू ही नहीं कर दे। देखिए अगला क्वेश्चन कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, और समझे ना, नंबरिंग अच्छे से करिएगा। कोचिंग का बुक में ना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले लिखते हैं फिर बनाएंगे, आप लोग बताना, ठीक है। देखो इसमें नया क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन उतार लीजिए तो ठीक रहेगा, ऐसे बुक तो है ही आप लोग के पास, फिर भी चाहे तो उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है मार्क्स, और इधर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मार्क्स और क्या बच्चों, स्टूडेंट। तो 31 से 40 पाने वाला 8 बच्चा लोग है, उसके बाद 41 से 50 पाने वाला 12 बच्चा लोग है, 12 कितना बच्चा लोग बाबू, 12। फिर 51 से 60 पाने वाला 20 बच्चा लोग है, फिर आपका 61 से 70 पाने वाला कितना बच्चा लोग है बाबू, 15। और अगला है 71 से 80 पाने वाला कितना बच्चा लोग है बाबू, 5। चलिए रेडी, इस ऐसा क्वेश्चन आने से कैसे बनाएंगे, बस यही दो कैटेगरी है इसमें। मीडियम का जब बड़ा वाला सम्स आप सॉल्व करेंगे ना, उसमें दो कैटेगरी क्या क्या बन गया, एक तो कंटिन्यूअस वाला, आई तो क्या बाबू, डिसकंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस वाला मतलब ऐसा, और ये डिसकंटिन्यूअस। अब आपको मैं ऐसे ही 10 होमवर्क दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी रहेगा वहाँ पे, आंसर भी रहेगा, मैच कर लीजिए आपका सही हुआ कि गलत हुआ खुद से बना करके, और जो नहीं बनेगा उसको अगला दिन बना लेंगे। चले पहले क्वेश्चन उतार लीजिए अच्छे से, अच्छे लोग उतार रहे हो, जो नहीं उतार रहे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कोचिंग का बुक, क्वेश्चन नंबर लिख दिया मतलब कोचिंग का बुक से, एग्जाम्पल दे दिया मतलब टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। चले क्या है, देखिए स्टार्ट कर रहे, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका, रेडी गाइस, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, पहले फैन ऑफ कर दे, जा बाबू दो ठंडा लग रहा बच्चा लोगों को। देखिए बाबू देखिए मार्क्स कितना, 31 to 40, 41 to 50, 51 to, बस बात नहीं, अननेसेसरी बात नहीं बाबू, 61 to 70, और 71 to 80। आज स्टूडेंट को क्या से डिनोट करिएगा, एफ से, स्टूडेंट को क्या डिनोट करिएगा, एफ, 8, 12, 20, 15, 5। अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहने से ना, देखो 31 से 40, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे ये शुरू नहीं हो रहा, जहाँ पर ये खत्म हो रहा वहाँ पे ये शुरू नहीं हो रहा, तो इसको क्या करिएगा ना, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं इसको स्टैट्स में। डिसकंटिन्यूअस वाला अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, इसको पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कैसे करके, इसको क्लास बाउंड्री बना देंगे, इसका क्लास बाउंड्री कैसे बना देंगे, देखिए देखिए 40 से 41 का डिफरेंस कितना है, 1, 50 से 51 का, 60 से 61 का, 70 से 71 का, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या बाबू, 2, कितना 0.5 आया ना जी। ये 0.5 को लोअर में करिएगा माइनस, अपर में करिएगा प्लस, लोअर में minus, अपर में plus. लोअर कितना है 31, 31 में माइनस करेंगे तो 29.5, और 40 में प्लस करेंगे तो 40.5, बोलो हाँ कि नहीं, सर नहीं समझे फिर बताइए ना, आइए दूसरा वाला फिर से, इसको इसको माइनस करिए, 40.5 50.5, बोलिए हाँ क्या, कैसी, अच्छा अच्छा सॉरी 30.5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक, यहाँ समझे कि नहीं समझे, बोलिए यहाँ तक।
एक तो और बताइए सर, 51 वाला क्या करते हैं? कन्वर्ट लोअर, हमेशा लोअर में माइनस कर दीजिएगा, अपर में क्या कर दिया? प्लस। लोअर में माइनस, अपर में प्लस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस। तो 50.5 ये कितना बाबू? 60.5, बोलो हाँ कि नहीं। ये वाला बोले 60.5, 70.5, बोलो हाँ कि नहीं। 70.5, 80.5, बोलो हाँ कि नहीं। बाकी सब स्टेप सेम ही होगा, बस खाली यही नया आ गया। बोले हाँ कि नहीं, बोले हाँ कि नहीं। ये कैसे कन्वर्ट किए समझे? कैसे किए बताइए? डिवाइड करके गैपिंग निकाले, गैपिंग कितना है? 0.5। 0.5 को लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस। बोले हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसका जैसे बनाते थे क्या निकालेंगे? सी एफ आप लोग बताना, सी एफ पहले क्या? 8, 12, 8, 20, 20, 40, 15, 55, 55, 5, 60, बोलो हाँ कि नहीं? 60 को क्या बोलेंगे? n। अब इसका क्या निकालेंगे? n बाई 2, 60 बाई 2, 30 है ना? अब देखते रुके, देखे 30 पूछते हैं, 30 है? नहीं। 30 है? नहीं। 30 है? नहीं। लेकिन हो सकता है, अच्छा नहीं, 60 नहीं, तो इसके बीच में ही होगा ना, तो इसका क्लास बाउंड्री ये वाला हो गया, मतलब इसका मीडियम क्लास कौन सा हो गया? वाला हो गया ना? बोले हाँ कि नहीं? ये हो गया एम सी, एम सी मतलब मीडियम क्लास, एम सी मतलब मीडियम क्लास। देखिए तो 20 ये वाला गैपिंग, और ये कितना बाबू? मीडियम क्लास। ये पूरा को सर्कल कर दिया आपने, ये क्या हो गया बाबू? एम सी, एम सी मतलब मीडियम क्लास, मिडिल क्लास बोल रहे, मिडिल क्लास नहीं, मीडियम क्लास। कौन सा क्लास बाबू? मीडियम क्लास। ध्यान दीजिए ना प्लीज, समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? बोलिए उस सम से इस सम से नया क्या किए? बोलिए तो नया यही किए कि इसमें क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होगा आपको, बाकी कुछ नया नहीं होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? अभी तो हड़बड़ा ही मत प्लीज, देखिए हड़बड़ा के फायदा नहीं है, बात समझिए ना। आपको क्या बताए थे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे पढ़ना है बाबू। अच्छा अब बस यहाँ तक करने के बाद फॉर्मूला फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो जब आप सुनो जब आप क्लास बाउंड्री में बदल दिए तो इसका कोई दरकार है? ये गरीब का कोई दरकार है? जब आपको नेक्स्ट मिल गया तो एक्स का दरकार है? ये है नेक्स्ट, ये कौन था? एक्स। अब एक्स को देखेंगे? देखिएगा इसका तरफ, इसको देख के रास्ता बदल लीजिएगा। अब आइए अब फॉर्मूला चिपकाएंगे। फॉर्मूला देखिए क्या है मीडियम का, आप लोग बताना देख देख के फॉर्मूला। एल प्लस एम बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू आर, बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा एल मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, लोअर बाउंड्री 50। अच्छा एक बार पूछते हैं आपसे, 50.5 लेंगे ना 51 लेंगे? क्या बोले जब नया वाला आ गया तो पुराना वाला को देखिएगा? नहीं देखिएगा। प्लस एन बाई टू निकाले हो ना 30 माइनस सी एफ, सी एफ मतलब इससे पहले वाला का 20, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 और इंटू आई, आई मतलब गैप है, आई देखो इंटरवल बोलिए, क्लास विथ बोलिए, डिफरेंस कितना है किसी यहाँ पे ले गया यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर किसी से पूछोगे ना आप 31 माइनस 40 तो बोलेगा 9, लेकिन नहीं ऐसे काउंटिंग नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, कितना नंबर बाबू? 10। सर कैसे सर? आप काउंट करके देखिए, हाथ पे 10 आएगा, करके देखिए ऐसा, कितना बाबू? 10, बात नहीं समझ रहे ना बाबू? तो देखिए हमने आपको दोनों कैटेगरी सम सिखा दिया, अब आप आराम से गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में। 50.5 बस क्या है ना, याद रहना चाहिए एग्जाम तक। 30 माइनस 20 कितना होगा? 10, 10 बाई 20 इंटू 10, हाँ कि नहीं? 50.5 प्लस, अब देखो 10 बाई ये 5 आएगा ना, बोलो हाँ कि नहीं? क्या समझ रहे हो कैसे किए? और आप उतना काटा कुटी क्यों करने जाएंगे? कोई बच्चा बोला नहीं हमको ये वाला चीज समझ नहीं आया, कोई बात समझने दरकार भी नहीं है। कैलकुलेटर निकालना, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 2 करना, आंसर आ जाएगा। 10 × 10 डिवाइडेड बाई क्या करना? 20। बात करता हूँ, आप कैलकुलेटर से खेलिएगा ना, तो बताइए 50.5 प्लस क्या बाबू? 5, आंसर 55.5, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बोलिए हाँ कि नहीं? उतारिए दोनों सम से अंतर क्या आ गया बोलिए तो, खाली नॉर्मल वाला को ना क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? उतारिए जल्दी। चलिए तो फिर अब अगला क्लास में करेंगे, इसको उतार लीजिए पहले।